हेलो, मेरे चैनल का नाम बीके जब्बा है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। और आज का टॉपिक है एनर्जी डेंसिटी ऑफ चार्ज्ड कैपेसिटर। देखो, ये कैपेसिटर है, इसका एक वॉल्यूम होता है। तो उस वॉल्यूम में, यानी कि जैसे ही हम चार्ज देंगे, तो पर वॉल्यूम जितना एनर्जी स्टोर होगी उसे क्या कहेंगे, पर वॉल्यूम एनर्जी स्टोर को क्या कहेंगे, एनर्जी डेंसिटी कहेंगे। ठीक है, तो अब इसके देखो, द स्टोर्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर विच इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। और इसे कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल यू से डिनोट करते हैं, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई की पावर 2 जूल पर मीटर की पावर 3। अब इसका जो है डायमेंशन फॉर्मूला है ML^-1, T^-2। अब प्रूफ करना है यहाँ पर, तो प्रूफ क्या करना है, यहाँ देखोगे कि हाँ, यही फॉर्मूला प्रूफ करना है। इस फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए यो देखोगे कि जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की बात करें, तो सी इक्वल जो एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन स्मॉल डी हो। अब देखोगे कि जहाँ वेयर ए इज क्रॉस सेक्शन एरिया, जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है प्लेट का, प्लेट लगी हुई होती है उसमें टू कैपेसिटर में, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, और यो डी इज, या इंटरसेक्ट एरिया भी बोल सकते हैं, डी इज डिस्टेंस जो प्लेट, जो कैपेसिटर के अंदर जो प्लेट यूज होती हैं उसके बीच की जो स्मॉल डिस्टेंस है वो। तो यहाँ पर के जो है डायलैक्टिक कांस्टेंट है, और यो परमिटिविटी, फिर स्पेस, फ्री स्पेस की, यहाँ देखोगे एनर्जी जो है यू इक्वल 1/2 CV² हो कैपेसिटर की, कैपेसिटेंस की, कैपेसिटर में जो एनर्जी होती है, ये पहले फॉर्मूला पहले प्रूफ भी करके दिखाया, और यहाँ ये इस तरीके से डायरेक्टली लिख लेंगे। यहाँ सी, यहाँ कैपेसिटेंस है कैपेसिटर की, यहाँ बी पोटेंशियल है जो प्लेट के प्लेट पर जनरेट होगा, और यहाँ देखोगे यू इक्वल 1/2 ε₀ के ए अपॉन स्मॉल डी B² ये क्या होया, C की वैल्यू ऊपर से यहाँ रख ली, C की वैल्यू यहाँ रख ली, चाहे इसे इक्वेशन 1 मान लो, इसे 2 मान लो। अब लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से, तो यहाँ देखोगे यो सॉल्व, यो यहाँ तक आ गया, यहाँ मल्टीप्लाई बाय स्मॉल d, क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई बाय स्मॉल d, तो ये हो जाएगा u इक्वल, इसमें स्मॉल डी से मल्टीप्लाई करेंगे डोमिनेटर और नोमिनेटर में, और यहाँ पर 1/2 ε₀ के ए स्मॉल डी, जो स्मॉल डी से ऊपर नीचे गुणा मल्टीप्लाई करें तो D² नीचे हो गया, D² क्योंकि एक ऑलरेडी डी पहले ही सही था, तो D² हो गया, B² है ये। अब ये देखोगे B/D यो अलग कर लेंगे, यो B/D अलग कर लेंगे क्योंकि इनके दोनों स्क्वायर एक कर लेंगे। यहाँ पर वैल्यू चेंज करेंगे, वेयर वॉल्यूम बी, छोटा बी लिया है हम वॉल्यूम के लिए क्योंकि पोटेंशियल के लिए कैपिटल बी ले, यहाँ जो स्मॉल बी है, यहाँ देखोगे वेयर वॉल्यूम स्मॉल बी इक्वल ए डी हो, क्योंकि वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो वॉल्यूम लेंथ इंटू विथ इंटू हाइट, तो यहाँ लेंथ विथ एरिया बना हुआ और हाइट को एल ले रखा, तो यहाँ वॉल्यूम कह सकते हैं सर, या डी स्मॉल, ओके। तो यहाँ पर ए डी के जो जगह वॉल्यूम डाल देंगे, और वेयर जहाँ इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की बात करें तो V/D होता है, तो V/D को रिप्लेस कर देंगे, क्या कर देंगे, उसकी जगह ई रख देंगे। तो देखोगे यहाँ कि यू इक्वल 1/2 ε₀ के योर स्मॉल वी वॉल्यूम लगा दिया, ए डी हट गया,
बी अपॉन डी की जगह ई स्क्वायर आ गया, जो वॉल्यूम है उसको इसके अपॉन में लिया है, हाफ एप्सिलॉन नॉट के ई स्क्वायर। तो यहाँ देखोगे जो फोर वॉल्यूम फोर वैक्यूम के लिए अगर हम बात करें तो के बराबर वन, मैंने यू अपॉन बी क्या हो जाएगा स्मॉल यू, यो एनर्जी डेंसिटी हो जाएगा, हाफ यो लिखा हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट के की जगह वन रख दिया, ई की स्क्वायर जूल अपॉन बी।